न्यू स्टॉक लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे रोमांचक वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचते रहें। विकास कार्य पर उठ रहे हैं कई सवाल। जनता आज भी कचरा और गंदगी से है परेशान। हमारी खास पेशकश वार्ड रिपोर्ट में हमारी टीम पहुंची वार्ड क्रमांक 55 गोरेगांव पश्चिम मीठा नगर में, जहां भारी वोटों से जीत कर आए हर्ष पटेल, लेकिन बाद में नहीं दिखा कोई विकास। जहां जनता आज भी गंदगी और कचरे से है परेशान, विकास के कार्य आज भी धीमी गति पर है। नगर सेवक हर्ष पटेल नहीं लेते अपने क्षेत्र का जायजा। जनता आज के नगर सेवक हर्ष पटेल को छोड़ राजू उपाध्याय को कर रहे है याद। ड्रेनेज का जो 6 लाख का काम था वो अमोल कीर्तिकर, गजानन कीर्तिकर से राजू पद्धे ने करवा के दिया है हमको। और ये लाधिकरण का काम भी राजू पद्धे के माध्यम से ही हुआ। पानी का जो पाइपलाइन दिया था 8 साल हो गया उसको, 7-8 साल हुआ, वो भी उन्होंने ही करके दिया। पानी की बहुत दिक्कत चलती थी यहाँ, फिर 2 साल पहले भी उन्होंने पानी का काम हमको करके दिया था। हमारे यहाँ पर ड्रेनेज का काम हुआ था जो राजू उपाध्याय के थ्रू गजानन कीर्तिकर ने करवाया था। हर कार्य राजू उपाध्याय के नाम पर करते हैं, यहाँ तक कि क्षेत्र का कोई भी कार्य हो, जनता सिर्फ राजू उपाध्याय से मिलकर अपने कार्य का हल निकालती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं यहाँ के जनता से। पहले से राजू उपाध्याय आता है हमारे इधर, जब तक हम लोग रहते हैं तो हम लोग को राजू उपाध्याय इधर आता है। सब पीछे बाजू में अच्छा किया, सब टाकी बहुत गंदा गंदा होती, तो बहुत पानी आता होता, हम लोग को खाना खाने को भी नहीं होता है, तो सब इसने अच्छा काम किया उधर हमारे इधर। आपके अभी के नगर सेवक है हर्ष पटेल, उनको इसको देखा ही नहीं अजून तक। मला इथे येऊन बरेच वर्ष झाले, पण आतापर्यंत जेवढे काही कामं केली आहेत ते राजू उपाध्यायनीच केली आहे। बाकी दुसरे जे नगरसेवक आहेत हर्ष पटेल ते तर काय अजून दिसले नाहीत आम्हाला। जेव्हा बघाव तेव्हा राजू उपाध्याय कुठल्याही परिस्थितीत कोणाच्या दुःखाला कोणाच्या सुखाला कधी हाक मारली तर हात हजर असतात। तर मी बहुत साल से हम रहते हैं झोपडपट्टी से ही, और जब से मतलब अभी आए जो 14 साल से राजू उपाध्याय को ही देख रहे हैं। नगर सेवक को तो अभी हमने शक्ल भी नहीं देखी है उनकी, वो कभी आते भी नहीं है इधर, और मैं पहचानती भी नहीं हूँ उनको। तो हमने तो राजू उपाध्याय को ही देखा है, कभी भी आते हैं फंक्शन में भी, वैसा भी जब भी बुलाओ कुछ काम रहेगा तो भी करते हैं। तो बाकी अभी जो नगर सेवक आया है उसको तो कभी हमने इधर देखा नहीं है। इस बात को लेकर हमारी टीम नगर सेवक हर्ष पटेल के पास पहुंची और जाना समस्या की वजह। मैडम, मेरा एक रिव्यू आपको पहले एक्चुअली वार्ड से आएगा, वो अभी अगेंस्ट का है कि गुड फेथ का है मेरे को नहीं पता, मैं आपके व्यूअर्स पे और मेरे काम पे छोड़ूंगा। मैं जाता हूँ, मैं 10 लोगों को लेके नहीं जाता हूँ, मैं 2 ऑफिसर को लेके जाता हूँ। हम लोग रास्ते पे देख के उसका सोल्यूशन निकालते हैं, ऑफिस में बैठ के उसका पेपर वर्क कंप्लीट करते हो। मेरा वो स्टाइल नहीं है कि मैं 15-20 लोग हमारे पार्टी से आए कि कार्यकर्ता लोग आए, यानी एक जगह पे आधा घंटा खड़ा रहूँ, फ़ोटो गिराऊँ और वापस घर पे जाओ। शायद वही एक कारण है कि आज मेरे वार्ड में नॉर्मली आप देखने जाओगे तो 40-50% वार्ड कवर होता है। मेरा एक वार्ड है, आप अगर आपके कैमरामैन और आपके साथ जाओगे आपने तो 80% वार्ड मेरा कवर हुआ है लास्ट 2 साल में, रोड्स ड्रेनेज और सब में, और आगे बढ़ना है इसको। मेरे को जो वार्ड बनाना है अभी 2 साल कंप्लीट हुए और 3 साल भागना है, तो मैंने 80% रोड्स पे और सब पे तो काम कर चुका हूँ, वहाँ की परेशानी समझ चुका हूँ। फंड का रिस्ट्रिक्शन होता है तो नहीं होता, तो पब्लिक को एक जनरल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होता है जो मिला रास्ते पे वो मिला। मैं भी अभी आपको बोल सकता हूँ कि आप मैडम जाके किन को मिले, आप अगर शाम वालों को मिले तो उनको तो मैं दिखूंगा ही नहीं, क्योंकि वो आते कब है। तो जिसने देखा देखा, जिसने नहीं देखा नहीं देखा, मैं उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनके जो एरिया की प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व होती है तो नथिंग लाइक इट। मैं यहाँ पे चुन के आया हूँ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने, ना ही कि उनके साथ बैठ के चाय गप्पे मार के, नहीं तो वही हो जाएगा 5 साल बाद लोग मुझे भी वही गाली देंगे जो पहले वाले को देते थे कि आए बातें की चले गए। तो मैं एक अलग स्टाइल से करता हूँ। मैं आपने देखे होंगे कि आपको काफ़ी सारे लोग बोलेंगे
कि मैं आता हूँ, मैं दो ऑफिसर को लेके आता हूँ, वहाँ पे हम लोग रास्ते पे सब मेजरमेंट लेते, वहाँ पे ही सब सॉल्यूशन निकालते, फिर ऑफिस में बैठ के उसका पेपर वो कंप्लीट करके फंड के पीछे हम लोग भागते कि काम जल्द से जल्द कंप्लीट होए। तो एक ये कंप्लेंट रही है मेरे अगेंस्ट की, बट जब मैं लोगों को वही आश्वासन देना चाहता हूँ कि सर मैडम मैं आपको नहीं मिल पाया, लेकिन जैसे मैं आपका काम कर रहा होता हूँ, वैसे जब आपका कुछ होता है कार्य तभी मैं किसी और का काम कर रहा होता, तो वो जस्टिस देने के लिए मैं आके मिलाप नहीं कर सकता हूँ। बट मेरे काम से शिकायत है तो मेरी ऑफिस है, मैं 10 घंटा 12 घंटा मेरी ऑफिस चालू रहती है, एवरीडे चालू रहती है। मैं जब हाउस में रहता हूँ कि कोई मीटिंग में रहता हूँ तभी गोरेगांव नहीं रहता हूँ, बाकी मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ। मुझे नहीं लगता कि कहीं और इतनी सहूलियत मिलती होगी। आप कभी भी मेरा कॉन्टैक्ट कीजिए, जो भी आपका काम होगा उसका मैं जैसे बेस्ट वे में उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, मैं ढूंढ के निकालूंगा। आपकी बात भी सही है, भीड़ में जाने से या फिर लोगों से मिलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नगर वासियों की नाराजगी और क्षेत्र की गंदगी साफ नजर आ रही है। नगर सेवक के हिसाब से हमारे जो पीछे का जो डक्का जो काम हुआ था लास्ट टाइम, खाली उसके अलावा और कोई काम मुझे यहाँ पर दिखाने के हुआ है करके। और जो विकास की आप बात करते हो तो आप खुद ही देख रहे हो यहाँ की हालत, ये मीठा नगर की हालत आप लोग खुद ही देख रहे हो। कचरे का डब्बा तो दिया गया है लेकिन कचरा उठाया नहीं जा रहा है यहाँ से। ये तो चीज़ें आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जो साफ सफाई है जो भी काम करना है। रही बात हर्ष पटेल की, हर्ष पटेल सर से भी हम लोग जाके मिल के आ चुके हैं और उनसे हमारा बात भी हो चुका है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो यहाँ पर आ नहीं पाए। नगर सेवकों में सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप जीत के आए हैं, पब्लिक ने आपको जीता है, तो आपको पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। अगर आप पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के पब्लिक आपके बारे में सोचेंगे। क्या हमारे को विकास करने वाला नगर सेवक चाहिए, जो भी आएगा यहाँ पर जीतकर वो विकास का ध्यान देगा और बेरोजगार मुद्दे का ध्यान देगा, युवा को नौकरी देगा। ये 3-4 मुद्दे हमारे बच्चों के लिए करना चाहिए। लीकेज का प्रॉब्लम चालू हो गया, लीकेज का प्रॉब्लम अभी जैसे हम लोग ने इनको कैमरामैन को जाके पीछे दिखाया है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या नहीं लीकेज का, तो हम अभी ये धूप का मौसम है, बहुत अभी भी कैमरे में देखा है कितना लीकेज है। अभी बारिश होगी, इतना प्रॉब्लम होने वाला है कि ग्राउंड फ्लोर में जितने भी घर हैं उनके अंदर जाने वाला पानी है और सबको घर का काम करवाना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ हर्ष पटेल जी से इतना बोलना है कि आप अभी इधर आए नहीं है, हमने उनको देखा भी नहीं है। जब प्रचार के टाइम भी वो हमने इनको देखा नहीं था, सिर्फ बैनर पे जो फोटो है वो फोटो दिखे, एक्चुअल में हमने अभी तक उनको देखा नहीं है। तो मैं उनसे, हर्ष पटेल जी से, गजानन कीर्तिकर से, जो भी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बारिश के पहले ये हमारा काम हमको क्लियर करके दो और अच्छे से क्लियर करके दो कि ऊपर जैसे मलाई लगाते ब्रेड पे ऊपर मस्का लगाते वैसा मत करो। वो बिल्कुल सही है और एक बार आके ज़रूर बारिश के पहले ये कोई भी नगर सेवक हो या जो भी हो वो यहाँ एक बार आके देखे ताकि आने वाली परेशानी से मसला आज ही हल हो जाए। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी सूरत में आके एक टाइम आके ज़रा एक बार देख के जावे कि भाई क्या हालात है और आने वाली परेशानी से हम लोग को बचा लो बस। कोई भी हमारे यहाँ के जो नगर सेवक है या आमदार है या खासदार है जो भी है, जिन्होंने भी ये काम करवाया है हमारा ड्रेनेज का, वो काम बराबर नहीं हुआ है। क्या किया है, वो जो ड्रेनेज का लाइन रहता है वो थोड़ा अंडर डीप में जाता है, वो लाइन क्या किया है इन्होंने 1-2 फुट में खोदा है और उसके बाद है ना ऊपर से ही पाइप डाला है। तो वो क्या होएगा मालूम, अभी तो फिलहाल कम भर रहा है लेकिन बारिश आएगी तो थोड़ा ऐसा स्लोप में रहना चाहिए पाइपलाइन, वो एकदम स्ट्रेट हो गया है तो पानी क्या रिटर्न मार रहा है। तो अभी बारिश के टाइम क्या होएगा, वो पानी पूरा भर जाएगा। तो अभी के नगर सेवक है उनको क्या बोलना चाहते हो? मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ उनको कि ये जो काम किया है किसी ने भी किया है, या नगर सेवक ने किया या आमदार ने किया या खासदार ने, जो भी काम किया है, ये हम लोग को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली बारिश के टाइम। हाँ, तो हम एक बार हर्ष पटेल जी के पास गए थे भी, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आके विजिट मार के जाऊँगा एक बार। तो मैं बोला ठीक है हम लोग आपका इंतज़ार करेंगे, तो पर वो आए नहीं, समझे? तो वो अभी कभी भी आए, पर वो काम हम लोग को बस इतना चाहता हूँ कि वो काम जल्दी से जल्दी करवा के दे दी। उम्मीद करते हैं कि नगर सेवक हर्ष पटेल जनता की नाराजगी समझे और उनकी समस्याओं को हल करने का फैसला ले। न्यूज़ स्टॉक लाइव के लिए उर्वशी कावा की रिपोर्ट।